Pachirna ojla. Pachirna ojla. इसको मैंने कहा मुझे किस कर दो। देखो दोस्तों, एलविन, रोशा, ये फिजा आप लोग चेक कर सकते हो। काफी ज्यादा खुशगवार हो रही है। एलविन, बस हम अभी घर जाने लगे हैं। ये मेरा ऑफिसर तो आगे जा रहा है, मेरा शैतान ऑफिसर, मेरी जान का टुकड़ा। बेटियाँ बेटियाँ होती है और सही, बस अल्लाह पाक सबको नेक औलाद दे दे। जिनके बेटे नहीं है उनको बेटे दे और जिनकी बेटियाँ नहीं है उनको बेटियाँ दे। लेकिन यकीन करें यार, मुझे बेटियों से ज़्यादा बेटियाँ जो है ना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बेटियाँ ही सिर्फ होती है कि अपने वालद साहब का, अपने माँ बाप का जो है ना वो दर्द समझती है। अगर बेशक उसकी शादी भी हो जाए ना, माँ के घर में भी उसका जो दिल है ना वो अपने माँ बाप के पास होता है। तो इसलिए बेटियाँ बेटियाँ होती है। लेकिन हमारे यहाँ यार, यहाँ पर जब मतलब बेटियाँ होती है ना तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, सैड होते हैं। कुछ तो इस तरह के केसेस मैंने देखे हैं कि अपने बेटियाँ क्या करती हैं, मार देती है। यार पता नहीं ये लोग किस तरह के लोग हैं और ये किस तरह इस तरह करते हैं, हम तो बिल्कुल इस तरह सोच भी नहीं सकते। बस यार अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। बस वो एक केस मैंने देखा था सरगोदा वाला, यार ज़िंदगी से दिल भर आया था। बाकी मैं यार कुछ नहीं कह सकता। जब गाय का बेटा पैदा होता है तो हम जो है ना नाराज़गी एक किस्म के महसूस करते हैं, सैडनेस। लेकिन जब उसकी बेटी होती है तो हम खुशी मनाते हैं कि हाँ गाय की बच्ची हो गई। अस्सलाम वालेकुम, खैर दा ठीक ठाक ना अफ्तारी मुसारा कही ना माना अरसियात तो आए। सिर्फ वो लोग ही इसका कदर जानते हैं जिसकी बेटियाँ नहीं होती। दूसरे मैंने अपने ही इलाके में और बाकी दूसरे इलाके में मैंने ये केसेस देखे कि अपने बेटे ने अपने वालिद को कत्ल किया है। काफ़ी सारे केसेस देखे, हज़ारों केसेस, और फिर मैंने कभी ये नहीं सुना कि अपनी बेटी ने अपने वालिद को या अपनी अम्मा को कत्ल किया है। हाँ अरे यार केसेस होंगे, लेकिन बस इसलिए बेटियों का ख़ास ख्याल रखें घर में। मतलब इसको कभी ये फील ना करने दे कि उसके दिल में कुछ आ जाए कि ये मेरे माँ बाप मुझसे ज़्यादा मेरे भाई के साथ प्यार करते हैं। बस ही पचीरना ओखला। इसको मैंने कहा मुझे किस कर दो, टोपी ले लो मुझे दे दो, पसीरो का पसीरो ओखला मुझे नहीं दे रही।